हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी डिवाइन सोल्स का, जुड़वा आत्माओं का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। विरक्त या फिर कह सकते एकदम विकृत डिसऑर्डर्ड डीएम कैसे होते हैं? अपनी लाइफ में अगर आप जुड़वा आत्माओं से मिलेंगे, आपकी जुड़वा सोल से मिलेंगे, आपके ट्विन फ्लेम से मिलेंगे, तो ऐसी बहुत बार कंडीशंस होती हैं। उस स्थिति को हम कैसे इम्प्रूव करते हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही हम जानने वाले हैं एक डिसऑर्डर्ड डीएफ के अंदर क्या ज़्यादा अवगुण आ जाते हैं जिसके कारण वो रियूनियन नहीं कर पा रही होती है, अपने डिवाइन पार्टनर से नहीं मिल पा रही होती है। तो इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट फेज में डिस्कशन करने वाला हूँ आप लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड। अगर कोई भी कहीं भी फंसा हुआ है, इन चीज़ों को समझ के, जान के, उस पर वर्क करके वहाँ से मुक्त हो सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, न्यू सोल्स हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए। सो दोस्तों, ये जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाती है। बहुत सारे सोल्स के जुड़वा सोल्स होती हैं, बिकॉज जैसे ही आप पहले, दूसरे, तीसरे चक्र से ऊपर उठते हैं, उसके आगे की जो यात्रा पूरी करते हैं, अगर आपको प्रेम को समझना है, आपको हार्ट चक्र, आप अपने यहाँ पे चौथे लोक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या चौथे लोक से पाँचवें लोक पे हैं, पाँचवें और चौथे लोक की आत्माएँ अक्सर जुड़वा आत्माओं के फॉर्म में होती हैं। अब वो अपने पार्टनर से मिलती हैं, अपने डिवाइन पार्टनर से मिलती हैं। वो डीएम के फॉर्म में भी हो सकता है, डीएफ के भी फॉर्म में हो सकता है, एक डिवाइन मस्कुलिन के फॉर्म में हो सकता है वो डिसऑर्डर्ड हो। और हम कैसे पहचाने वो अभी डिसऑर्डर्ड है, या एक डीएफ हो सकती है डिसऑर्डर्ड डीएफ के फॉर्म में, हम उसे कैसे पहचाने कि वो डिसऑर्डर्ड है, विकृत है, वो किसी भी तरीके से अपने कंप्लीट फॉर्म में अभी नहीं आई है, तो इसी चीज़ पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक डिसऑर्डर्ड डीएम के बारे में। और इस जर्नी को मैं बताने से पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये एक ही सोल होती हैं जो पृथ्वी पे बहुत सारे बर्थ लेती हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं। जैसे कि एक अकेला इंसान रोता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है, एक वॉरियर युद्ध में लड़ता है, उसी तरह ये डिवाइन की वॉरियर होती हैं, ये मास्टर सोल्स होती हैं। इनका पर्पस बड़ा होता है, इनका पर्पस होता है लोगों को सर्व करना, हील करना, इस मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ाना, और यही नहीं, दुनिया में प्रेम का, ज्ञान का, भक्ति का विस्तार करना। और इसके बाद इस दुनिया में बहुत सारी क्रांतियां होती हैं, समझ डेवलप होती हैं, लेखन के माध्यम से, बोलने के माध्यम से, किसी ना किसी अर्थपूर्ण तरीके से वो अपने कार्यों को अभिव्यक्त करती हैं और लोगों तक वो ज्ञान, वो प्रेम फैलाती हैं। ये जुड़वा आत्माएं बहुत ही विशेष होती हैं, और इन जुड़वा आत्माओं को कहीं ना कहीं ये फेस से गुजरना ही पड़ता है। उनके डीएम पार्टनर समटाइम डिसऑर्डर्ड हो सकते हैं, तो आपको कुछ देखने को मिलेगा। अगर हम डीएम के डिसऑर्डर्ड की पहले केस में बात कर लेते हैं, अगर आपके डीएम डिवाइन मस्कुलिन अगर मेल इस फॉर्म में होगा, तो उसके अंदर ये चीज़ें दिखाई देंगी। पहला है बहुत ज़्यादा ईगो होना, अपने सिवा दूसरे की सुनना नहीं, और प्रेम को बहुत ज़्यादा पीछे देखना, जैसे कि किसी एक चीज़ पे फोकस रखना, जैसे करियर पे कोई है तो सिर्फ करियर पे ही फोकस करना, या फिर कोई प्रेम पे है तो बहुत ज़्यादा प्रेम पे ही फोकस करना, करियर को नहीं देखना। डिसऑर्डर्ड मतलब होता है विकृत, तो वो उनकी जो ऊर्जा है, उनके जो चक्रा है, नेचुरली अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्टेड तो हैं, बट यहाँ पे डिसऑर्डर्ड होने के कारण वो अभी हील नहीं है। इसका कारण ये होता है वो अपनी ऊर्जाओं को ठीक से समझ नहीं पाते, किसी एक चक्रा पे फंसे हुए रहते हैं, इस वजह से उनको बार बार असंख्य जन्म भी लेने पड़ सकते हैं उस चीज़ को लर्न करने के लिए, उस चीज़ को सीखने के लिए। और हर डीएम इस चीज़ को हील करने के लिए मे बी डीएफ से दूर भी जाता है, अपने आप पे वर्क करता है और उस चीज़ को वर्क करके वापस भी आ जाता है, लेकिन इसके लिए कितना भी टाइम लग सकता है, कोई इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है कि व्यक्ति एक जीवन में सीख लेता है, कई सारे जीवन भी लग सकते हैं। तो ये पहला एक विकृत स्टेज हो गया डिसऑर्डर्ड डीएम का। दूसरा स्टेज होता है कि वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सोशल प्रेशर में फंस रहा होगा, सामाजिक कारण उनको बहुत प्रभावित कर रहे होंगे, और ये प्रभाव इस वजह से क्योंकि समाज से हमेशा ही प्रेम अप्स डाउन करता ही रहता है। आप देखेंगे
जहाँ पर भी शुद्धतम प्रेम क्रिएट होता है। सोशल कास्ट वाइज प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी और भी सामाजिक दायरे हैं जिसके अनुसार व्यक्ति ठीक से रह नहीं पाता है। मे बी मैरिजेस हो जाती हैं कई बार, उस केसेस में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो डिसऑर्डर्ड डीएम समाज से या तो बहुत ज़्यादा दुस्साहस के रूप में समाज से लड़ता फिरेगा, या फिर दूसरा इसका रूप हो सकता है डिसऑर्डर्ड का, विकृत का, वो समाज से डरेगा और समाज की चीज़ों को अनुसार ही चीज़ें करने वाला है। वो बहुत ज़्यादा सम्मान को देख रहा है, उसकी इनर सेल्फ, उसका इनर ट्रूथ या इंट्यूशंस जो बोल रहे होंगे वो नहीं करता है। तीसरा कारण भी इसी से मिलता जुलता भी है, एक डिसऑर्डर्ड डीएम यहाँ पे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनता है, अपने इंट्यूशंस के बारे में नहीं सुनता है। और वो डीएफ जब भी बताती है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, हम लोग साथ में रहेंगे तो हमारा ग्रोथ होगा, तो इन चीज़ों को वो नहीं मानता है, बिकॉज वो अभी विकृत अवस्था में है, वो उसके कुछ कर्मा पेंडिंग है। जब तक उन कर्मों को वो क्लीन नहीं कर लेता है, वो हील नहीं हो जाता है, तब तक कभी भी वो वापस नहीं आएगा। और वो चीज़ें यहाँ पे मैरिजेज के रूप में सिर्फ पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि आपको ये समझना होगा ट्विन फ्लेम की जर्नी आपका शुद्धतम प्रेम है। वो आपको इस लौकिक संसार में सिर्फ मैरिज करने के पीछे, बहुत सारे लोग हैं जो मैरिज 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 करते रहते हैं। दोस्तों ट्विन फ्लेम की ज़रूरी नहीं कि मैरिज हो, क्योंकि यहाँ पर उनका एक पर्पस है कि खुद के ऊपर काम करना, प्रेम भक्ति करुणा, उनके अंदर जो समाज सेवा है वो डेवलप करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट है उनके अंदर एक क्षमाशीलता, फॉरगिवनेस डेवलप होना। उनके एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, डीएम कभी भी डीएफ से कम्प्लीटली नाराज़ नहीं हो सकता है। मे बी वो ऊपर से रिएक्ट करें कि वो अपने डीएफ से कम्प्लीटली दूर चले गए हैं या नाराज़ हो गए हैं, लेकिन कभी भी उनकी वो रिस्पेक्ट करना नहीं छोड़ते। वो हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे, दिल ही दिल में आपसे कुछ भी बोलें वो हमेशा रिस्पेक्ट। अगर वो आपका ट्विन फ्लेम होगा तो वो आपको दिमाग से कभी भी निकाल नहीं सकता है, वो कहीं ना कहीं आपकी केयर ज़रूर करता होगा। नॉर्मल रिलेशन है, अगर वो व्यक्ति भूला जा रहा है इसका मतलब ये है कि वो आपके रियल डीएम नहीं है, अगर आपको भूल गए हैं। अगर रियल डीएम होंगे तो कभी भी भूलेंगे भी नहीं, और इस सब विकृत स्थितियों को वो धीरे धीरे इम्प्रूव करते हैं इस लौकिक संसार में, तभी वो अलौकिक स्टेज में। कि डिवाइन ने आपको एक विशेष पर्पस से भेजा है। आप बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स आप जब इस पांचवें लोक तक पहुंचते हैं, अपने विशुद्धि तक पहुंचते हैं, तो यहीं पर रुक जाते हैं, बिकॉज यहाँ की माया, यहाँ के जो लौकिक संसार में जो चल रहा है 3D प्लेन पे, वो समझ नहीं पा रहे होते हैं, तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न भी होती है। अब हम बात करेंगे एक डिसऑर्डर्ड डीएफ के बारे में, ये बहुत जानना ज़रूरी है। अगर आपने दोनों को समझ लिया तो अपनी इन जुड़वा पार्टनर से, इन जुड़वा आत्माओं से मिल सकते हैं और अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। मिलने का मतलब है कि एक दूसरे की एनर्जी को कंपेटेबल करना, ग्रोथ करना, और जो भी आप जिस भी चक्र पे अटके हुए हैं उस चक्र को क्रॉस करके अंततः आप मोक्ष की तरफ बढ़े, अंततः आप परमात्मा तक पहुंच जाएं। अगर यहाँ पे डीएफ की बात करते हैं, डिवाइन फेमिनिन जब डिसऑर्डर्ड हो जाती है, विकृत स्थिति में पहुँच जाती है, तो कैसे किसी की भी बातों को बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेना, जोरों से ज़्यादा उसके अंदर अच्छाई होना, और हर किसी जो कोई झूठ बोल रहा है, कोई ठग रहा है उसको, उस पर भी आंखें बंद करके बिलीव स्टार्टिंग में कर लेती है। इससे उसको काफ़ी बार नुकसान का सामना करना पड़ता है, और ये मैंने काफ़ी बार देखा है, बहुत सारे लोग एक्सपीरियंसेस को बताते हैं, और ये उनके साथ होता है। बार बार कोई गलती कर रहा उसको भी माफ़ करते जाना, माफ़ करते जाना, इस वजह से उनका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अहित होता रहता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम में वो फंसती रहती है, और ये बार बार कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। जब तक डीएम उनकी लाइफ में आके एक सबक नहीं सिखा देता, उनको मैच्योर नहीं कर देता है, तब तक ये कॉन्टिन्यूस ही चलता रहेगा। अगर डिसऑर्डर्ड डीएफ है तो एक और चीज़ हमने देखी है बहुत बार, उसके अंदर समाज का भय बहुत होता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर आपके अंदर, अगर आप सेक्चुअली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जो रियलिटी है उस रियलिटी को आप समाज में दर्पण के रूप में नहीं अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम डीएफ की ही होती है। उसको लगता है सामने वाला पार्टनर सेक्चुअली चीज़ों को इतना पीछे क्यों पड़ा है, वो इसलिए वजह पीछे पड़ा है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा दबा के रखा है, क्योंकि वहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप इन चीज़ों को बहुत नॉर्मल तरीके से लें। अगर वो सेक्चुअली एक्ट को, फिजिकल एक्ट को, किसी अल्टीमेसी को बहुत ज़्यादा रॉन्ग समझती होगी, या उसको भक्ति व ज्ञान व किसी भी रूप में उसके समतुल्य नहीं समझती होगी, बराबर नहीं समझती होगी, तो बहुत सारी समस्याएं यहाँ क्रिएट होगी, और इस फेज़ में सेपरेशन होना ही होना है। बबल फेज़ कुछ देर तक चलेगा, आप लोगों की बातचीत हुई, फिर सेपरेट हो गया, और जब तक अकेले रह के
आप इन चीज़ों को अनुभूत नहीं कर लेते हैं, सिर्फ मानसिक स्तर पर नहीं, आपको आत्मिक स्तर से इन चीज़ों को अनुभूत करना होगा, इन चीज़ों को फील करना होगा, तभी आपके लाइफ में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होंगे। इसमें आपकी बहुत सारी ट्विन रेज मदद कर सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स आपको ट्रिगर करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी रिस्पेक्ट करना कभी नहीं छोड़ेंगे। एक डीएफ भी कहीं ना कहीं अगर चली जाए, अपने मर्जी जा रही, तभी भी वो अपने डीएम की रिस्पेक्ट करना कभी भी नहीं छोड़ेगी। भले प्यार है वो कभी एक्सप्रेस ना भी करे, लेकिन वो जानते हैं कहीं ना कहीं ये मेरा ही पार्ट है, उसे इनर सेल्फ से पता है। तो दूसरा कारण यही हमने काफ़ी बार देखा है कि उस समाज का जो भय होता है वो अत्यधिक होता है, इस कारण वो अपने इमोशंस को एक राइट तरीके से एक्सप्रेस करने में पूरी तरह से असफल हो जाती है और कई बार यहाँ पे फंस जाती है। आसपास उसके इतने निगेटिव लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि कार्मिक इकट्ठा हो जाते हैं कि वो रोती रहती है, परेशान रहती है, और इतना ज़्यादा परेशान होने के बाद उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता। जब तक उसको कोई गाइडेड यहाँ पे मेडिटेशन या गुरु वगैरह नहीं मिलते हैं, तब तक उस स्थिति में वो बहुत सारे जन्मों तक फंसी रह सकती है। इसके बाद दूसरा प्रभाव है, वो अपने शरीर और मन पे ध्यान नहीं देती। जैसे कि मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आई, खाना खाना छोड़ दिया, या अपने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी बॉडी या किसी एक चीज़ को कम इम्पोर्टेंट समझना, अगर ये क्वालिटी एक डिवाइन फेमिनिन के अंदर आ रही है, वो डिसऑर्डर्ड रूप है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है कि हम समझे कि हमको कोई प्रॉब्लम हो रही है, हमने अपने शरीर का हित करा, हम बहुत ज़्यादा व्रत रख रहे हैं, हम कुछ नहीं खाएंगे, हम अति में जाएंगे। तो आप ये दोस्तों समझ लीजिए, अति सर्वत्र वर्जते। हम किसी भी चीज़ को अगर अति में करते हैं तो वो संतुलित रूप कभी भी नहीं हो सकता है। इस कारण ये डिवाइन फेमिनिन का विकृत रूप ही है, डिवाइन फेमिनिन का डिसऑर्डर्ड रूप ही है। अगर इन सभी कारणों को देखा जाए, इन सभी कारणों को दूर किया जाए, इन सारी डिसऑर्डर्ड चीज़ों को दूर हटाया जाए, तो अगर आपका इस जीवन में असंख्य जन्मों के बाद, बहुत सारे बर्थ में के बाद, अगर आपके अंदर ये सारी कमियाँ और खासकर क्षमा करने का जो गुण है, प्रेम करने का जो गुण है, इस तरह की हायर वैल्यूज़ अगर आप में सही रूप से आ गई, एक करुणा भाव आपके अंदर सही रूप से आ गया, आपने लोगों को देना शुरू कर दिया, लोगों के लिए करना शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से आपका रियूनियन हो जाएगा। और रियूनियन होने के बाद आप कहीं ना कहीं किसी लोक में इमर्ज भी हो जाते हैं। फिर आप छठे लोक के बाद आप स्वतंत्रता नर और नारी के रूप में नहीं रहते हैं, उसके बाद की यात्रा आप सिंगुलर इमर्ज्ड होके पूर करते हैं। आप जब मर्जिंग हो जाती है आपस में एक नर और नारी आत्माओं की, जुड़वा आत्माओं की, तब आप स्वतंत्र रूप से जन्म ले सकते हैं, अपनी अवेयरनेस में जन्म ले सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ, और पूरी संसाधनों के साथ जन्म ले सकते हैं, और ये कंडीशन बहुत ही अजा बेहतर होती है। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी का उद्देश्य यही है कि आपको भीतर से चक्रों को हील करें। जिस भी चक्रों पे आपकी समस्या है, जिस जन्म से आप जिस जिन चक्रों पे अटके हुए हैं, उन चक्रों से निकलने की जो आपको यहाँ पे सुविधा दी जाती है, आपको परिस्थिति दी जाती है, यही उद्देश्य है ट्विन फ्लेम जर्नी का। दोस्तों आगे मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। क्लासेस बहुत दिनों से नहीं हो रही हैं, मैं बाहर हूँ और बहुत जल्दी सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।